सो हेलो एवरीवन, कैसे हो लोग। तो और आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मार्किंग स्कीम के बारे में, मार्किंग क्राइटेरिया के बारे में, एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स और हमारे पास चौथा ड्राइंग। हम लास्ट वीडियो के अंदर ये डिस्कस कर चुके थे यार, जो हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो थी अब तक की, कि इसकी भैया कि कैसे करके हमारे को 250 से लेकर 300 तक स्कोर कर सकते हैं जेई मेन पेपर 2 बीआर के फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। उस वाली वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अगर आपने नहीं अभी तक देखी हो तो जरूर उसको जाकर चेक करना, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर मेरे पास बहुत सारे पहले कमेंट आए थे कि भैया लास्ट वाली वीडियो के अंदर और इंस्टाग्राम के ऊपर भी, क्योंकि आपके जो अंदर ये मार्किंग क्राइटेरिया जो रहने वाला है पेपर में, उसके हिसाब से अगर आप डिस्कस करो तो बहुत अच्छा होगा। कि मतलब हमको ये पता चल जाए कि किस सेक्शन के अंदर से कहाँ से मार्क्स कटने के चांसेस ज़्यादा होंगे। देखो डेफिनेटली हमको पता है कि यार जेई मेंस के अंदर नेगेटिव मार्किंग तो भैया होती ही है, ठीक है, वो तो हमको पता है। पर लेकिन कौन कौन से एरिया पे ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग होती है और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल क्या चेंजेस किया गया है नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, ठीक है, वो सभी आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं एक एक करके, एक एक सेक्शन को समझते हुए चलते हैं, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले बात करते हैं एप्टीट्यूड के बारे में। देखो एप्टीट्यूड हम जानते हैं कि एक सबसे ज़्यादा ईजी सेक्शन है और सबसे ज़्यादा मोस्ट वेटेज वाला सेक्शन भी है, क्योंकि आउट ऑफ 400 200 मार्क्स अकेले एप्टीट्यूड लेकर चलता है। अब इस 200 के अंदर से कुल मिलाकर जो हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं 50 क्वेश्चंस, जो कि अकेले एप्टीट्यूड से आते हैं। ये मोटा मोटा लास्ट वाली वीडियो के अंदर बात कर चुके थे, साथ साथ में इसको बोलते हुए चलते हैं ताकि हमको एक कनेक्टिविटी रहेगी, ठीक है। 50 क्वेश्चंस हमारे पास टोटल यहाँ पर आते हैं और इस 50 के अंदर से हमारे को एक क्वेश्चन को सही करने पर मिलते हैं +4 मार्क्स। एक क्वेश्चन को सही करने मिलते हैं कितने भैया, +4 मार्क्स, यानी कि 50 मल्टीप्लाई बाय 4 बराबर 200 मार्क्स। अगर हम 50 की 50 सही कर देते हैं तो हमको 200 मार्क्स मिल जाते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं यार, भगवान ना करे किसी के एक दो या दो क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन गलत हो जाए, तो एक क्वेश्चन को गलत होने के ऊपर हमारे को -1 मिलता है, मतलब हमारा एक मार्क्स छीन लिया जाता है, ठीक है, एक मार्क्स कट जाता है -1, सिंपल सी बात है। और अगर अपन ने किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है, ठीक है, अटेम्प्ट नहीं किया है, तो मारू क्या मिलता है उसको, 0, मतलब वो अन अटेम्प्ट के अंदर चला गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं भैया, ठीक है। अगर अटेम्प्ट किया सही है तो +4 और गलत किया है तो -1, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। नेक्स्ट बारे में बात करते हैं कि भैया अपन ने जो लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि भैया इसके अंदर से 50 के अंदर से कुछ क्वेश्चन हमने डिवाइड किए थे, 35 क्वेश्चन कुछ अलग टाइप के थे, ऐसा कुछ आपको याद होगा, और 15 क्वेश्चन अलग टाइप के थे जो कि थ्योरेटिकल थे, 35 थे एनालिटिकल रीजनिंग वाले, मेंटल एबिलिटी वाले, और 15 क्वेश्चन थे कौन से, आर्किटेक्चरल थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन थे। अब इन दोनों के अंदर से बात करें तो ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस होते हैं थ्योरेटिकल वाले में, तो भैया क्योंकि थ्योरेटिकल के अंदर किसी को इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं होता, या फिर हम कन्फ्यूज हो जाते हैं थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन के अंदर, तो हम क्या करते हैं, तुक्के लगा कर आ जाते हैं। तो तुक्का बड़ा ध्यान से लगाना है, अगर हम तुक्का लगा रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के तुक्का लगाना है, उसके लिए थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेना। और जो 35 वाले क्वेश्चंस थे, 35 क्वेश्चंस मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चन, एनालिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस, उसके अंदर तुक्का लगाने की जरूरत तो होगी ही नहीं भैया, क्योंकि वो सभी क्वेश्चंस क्या ईजी थे, तो वहां से तो भैया कोई भी एक नेगेटिव मार्किंग हमको नहीं चाहिए, ये मैं आपको हमेशा बोलता हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ, ध्यान देना। उन 35 क्वेश्चंस के अंदर से 50 में से जो एनालिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस थे, इजी वाले क्वेश्चंस थे, वहां से भैया एक भी मार्क्स को नेगेटिव नहीं करना है, वहां से सबके सब पॉजिटिव मार्क्स लेने, 140 मार्क्स का था वो, 35 × 4 140 मार्क्स वहां से आ रहे थे। बाकी बचे हुए थे 15 क्वेश्चंस थ्योरेटिकल वाले, जो कि 15 × 4 60 मार्क्स, उस 60 के अंदर से भैया अगर हम बहुत जितने हमको क्वेश्चंस आते हैं उतने ही हमको अटेम्प्ट करने हैं, 15 में से जितने क्वेश्चंस हमको आते हैं, अगर 15 में से भैया हमको 8 क्वेश्चन आते हैं, 9, 10 जितने आ रहे उतने ही अटेम्प्ट करने हैं, वहां तुक्का नहीं लगाना, ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। तो आउट ऑफ 200 के अंदर से हमको ट्राई करना है 150, 160, 170, 180 तक, जितना भी हम हमारी कैपेसिटी के अनुसार अप्रोच कर सकें इस वाले अटेम्प्ट के अंदर, ठीक है, इस 200 के अंदर से भैया, क्लियर आ तक। अब चलते भैया कहाँ पर, ड्राइंग के ऊपर ध्यान देना। ड्राइंग के ऊपर एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग भैया यहाँ पर नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर ना कोई MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी नहीं है, या फिर कोई क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर सिंपल आपको दो क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, एक क्वेश्चन होता है 50 मार्क्स का और तो कुल मिलाकर कितना होता है 100 मार्क्स, दो क्वेश्चन आपको A1, आपको A4 साइज की शीट दे दी जाएगी। ड्राइंग के अंदर क्या होता है भैया, A4 साइज की हमको शीट दे दी जाती है, A4 पेपर, उस पेपर के अंदर हमको ड्राइंग को बनाकर स्केच बनाकर फिर से देना होता है। स्केच का मतलब जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया, चाहे वो कंपोजिशन ड्राइंग का है, चाहे वो मेमोरी ड्राइंग का है, चाहे वो पोर्ट्रेट है, ठीक है, चाहे वो प्रोपोर्शन का है, जितने भी 4 से 5 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं वो इतना ही बस, क्लियर भैया। तो यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग का रूल नहीं है। अगर मोटा मोटा बात करूँ तो अपने लास्ट वीडियो के अंदर बात भी की थी कि भैया ड्राइंग के अंदर इजीली आसानी से कोई भी बंदा आसानी से, अगर मोटा मोटा बात करूँ तो 50
एक क्वेश्चन के अंदर, एक क्वेश्चन 50 मार्क्स का है तो उसके अंदर मिनिमम 50% मार्क्स तो ले ही लेगा। तो दोनों में मिला के बात करूँ तो 25 + 25 यानी कि 50 प्लस मार्क्स। अगर 50 के अंदर आप कैपेसिटी के अनुसार 60, 70, 80 भी जा सकते हैं, 90 भी जा सकते हैं। अभी है अब ड्राइंग के हमारे पास वो डिपेंड करेगा कि हम कितनी अच्छी ड्राइंग करते हैं। ठीक है, देखो भैया मेरी तो ड्राइंग बहुत ज़्यादा खराब है ना, तो ये चीज़ यहाँ पर आती है। तो ऐसे करके मेरे 50 to 60 यहाँ से स्कोर अप्रोक्सीमेटली कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट आते भैया सबसे इंपॉर्टेंट और ज़्यादा चीज़ कौन सी, मैथमेटिक्स। इसको समझते जान देगा मैथमेटिक्स के, हम जानते हैं सेक्शन कितना 100 मार्क्स का होता है। अब मैथमेटिक्स के सेक्शन के अंदर भैया बॉसों को बहुत बड़ा कन्फ्यूजन भी होता है, क्योंकि यार ये पार्टी कन्फ्यूजिंग वाला है। बहुत ध्यान समझना मैं क्या बोलने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, कुल मिलाकर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं वो होते हैं कितने, 30 क्वेश्चन। ध्यान देना, कुल मिलाकर हमारे पास यहाँ से हमको 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं भैया। ठीक है, सुनते रहेंगे ध्यान से। 30 क्वेश्चन के अंदर से दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर, जैसे एप्टीट्यूड के अंदर दो टाइप के क्वेश्चन है, 35 + 15 50 के अंदर से। यहाँ 30 के अंदर से कौन से होते हैं, एक होता है 20 क्वेश्चन अलग होते हैं और एक होता है क्या 10 क्वेश्चन, ये अलग होते हैं 20 + 10। ठीक है, अगर इस 20 के अंदर से ये कौन से क्वेश्चन होते हैं भैया वो देखते हैं। ये 20 क्वेश्चन जो होते हैं ना वो होते हैं कौन से, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ लिख देता हूँ ब्रैकेट में MCQ, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं 20 क्वेश्चन। और जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो हमको पता होगा कौन से होते हैं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, NAT क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आंसर टाइप। मतलब जिसका डाटा हमको निकाल कर, नंबर निकाल कर, नंबर में आंसर निकाल कर हमको कीबोर्ड से टाइप करके फिल करना होता है, या फिर माउस के अंदर से वर्चुअल कीबोर्ड होता है आपकी स्क्रीन के ऊपर, वहां पर आपको उसमें टाइप करके फिल करना है क्या, न्यूमेरिकल आंसर क्वेश्चन, जो कि बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं क्योंकि भैया हमको न्यूमेरिकल डेटा निकालना होता है। तो 10 क्वेश्चन ये होते हैं, तो लिख देता हूँ क्या चीज, NAT न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन भैया, क्लियर है। अब भैया क्या हमको 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, अगर 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं तो 30 × 4 = 120 मार्क्स होता है, पर लेकिन ये तो 100 मार्क्स का ही है। तो आपको पता होगा, किसी किसी को पता भी हो, किसी किसी को ना हो सकता नहीं पता हो, इसलिए वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी था। 20 क्वेश्चन के अंदर 20 क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करना कंपलसरी होता है, पर लेकिन इस 10 क्वेश्चन के अंदर से हमको ओनली 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होते हैं, 5 क्वेश्चन छोड़ने होते हैं। तो 10 के ऊपर लगा देता हूँ मैं क्या स्टार मार्क, हमको इस 10 में से 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होते हैं। तो लगा देता हूँ क्या, 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होते हैं, ओनली 5 क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करने होते हैं, बाकी 5 छोड़ने होते हैं। ठीक है, और बीच 20 के अंदर से हमको 20 × 20 सब के सब अटेम्प्ट करने हैं, इसमें से कोई नहीं छोड़ना है। ठीक है, और अगर मैं देखूं तो 20 × 4 कितना हो गया हमारे पास, 80 मार्क्स यहाँ से आ गए, और 5 × 4 कितना हो गया हमारे पास, 20 मार्क्स यहाँ से आ गए, तो 80 + 20 आ गए 100 मार्क्स। ठीक है, ये यहाँ पर मार्किंग क्राइटेरिया रहता है, ये यहाँ पर पूरा मार्किंग का कहानी रहती है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर बहुत स्टूडेंट्स, एक लास्ट टाइम मुझसे इतने सारे कमेंट आए थे कि भैया क्या एक बात सुनो, इस 10 क्वेश्चंस के अंदर से अगर मैं 5 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही है, पर लेकिन अगर मैं 5 एक्स्ट्रा और कर लूँ तो क्या मुझे 20 के अंदर से और एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे ना। ठीक है, तो यार ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो भी यार उसको भी NT कहते हैं, वो भी यार हमारे सबका गुरु है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपको क्या करना है, इस 10 क्वेश्चंस के अंदर से हम जब 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे ना, तो डेफिनेटली हम 6 वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर बना हुआ यार एक्चुअली, वो सब फंक्शन में चल रहा है, वो सब उसकी सब उसको सेट कर रखा है। हम उसको मतलब ऑलरेडी हम उसको 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, हम उससे 5 से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो आप कोई सा भी अटेम्प्ट कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज़ की भी है कि अगर अपन ने 1 से लेकर 5 अटेम्प्ट कर लिए, तो क्या मुझे अगर चेंज करना हो किसी क्वेश्चन को, मुझे अगर 6, 7 वाले क्वेश्चन को ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है उसको लगाना हो, तो क्या मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। हाँ, चेंज आप कर सकते हो। जिसको क्वेश्चन को आपने पहले आंसर लगा दिया उसको आपको पहले अन आंसर करना होगा, मतलब उसको हटाना होगा, उसको अन आंसर करना होगा, फिर जो आपको आंसर लगाना उसको आप लगा देना। ठीक है, तो कुल मिलाकर ओवरऑल हमको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 10। ठीक है, बोलने का मतलब समझ गए ना, बस यही चीज़। ठीक है, तो यहाँ से 80 मार्क्स हमको मिलते हैं यार 220 MCQ क्वेश्चंस के अंदर, जो कि सब कंपलसरी है, और 10 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, और 5 × 4 = 20 मार्क्स। ठीक है, अब आते हैं भैया कहाँ नेगेटिव मार्किंग के ऊपर। पॉजिटिव तो हो गया भैया, +4 + 4। ठीक है, ये कितना हो गया 80 + 20 = 100 मार्क्स। अब भैया नेगेटिव मार्किंग पता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ नेगेटिव मार्किंग तो होगी कितनी, -1। यहाँ नेगेटिव मार्किंग होगी भैया, भगवान ने करे हमारे नेगेटिव मार्किंग हो, एक भी क्वेश्चन के अंदर भैया नेगेटिव मार्किंग नहीं चाहिए। मैथमेटिक्स या सेम मैथमेटिक्स के अंदर बोलता हूँ, ये वही चीज़ है जहाँ पर हमको ध्यान रखना भैया। अगर पूरा 100% कॉन्फिडेंस है, या फिर अगर बोलता हूँ 99% कॉन्फिडेंस, 100% कॉन्फिडेंस, तभी उस क्वेश्चन को लगाना है हमको। ठीक है, आंसर लगाना है, और परफेक्टली चीज़ों का आंसर निकालना है उसके बाद लगाना है मैथमेटिक्स के अंदर, तुक्का यहाँ पर नहीं लगाना है हमको। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भैया, जो 20 ये वाले जो क्वेश्चन है ना, 5 क्वेश्चन, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। लास्ट ईयर यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, पर लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो इस साल से इस वाले पोर्शन के अंदर भी नेगेटिव मार्किंग को लगा दिया गया है, यानी कि आपके पास इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी नेगेटिव मार्किंग होगी न्यूमेरिकल आंसर टाइप के अंदर। ये साफ इस बार के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर लिखा था, साफ क्लियरली मेंशन कर दिया गया था।
यार आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ना होता है जेई मेंस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दे रहा होगा। इसके ऊपर हमारे पास ऑलरेडी एक वीडियो भी बना चुकी थी जब भी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया था, उसके अंदर अपने डिस्कस भी किया था कि यार इस बार एनटीए ने यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रूल यहाँ पर अप्लाई कर दिया है क्या, न्यूमेरिकल आंसर टाइप वाले के अंदर भी यार बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत हार्ड बना दिया पेपर को। अब न्यूमेरिकल आंसर के अंदर तो यार भैया किसी भी करके हम कुछ भी लगा देते थे 5 क्वेश्चन पर, लेकिन अब कुछ भी नहीं लगा सकते, कुछ भी वैल्यू एंटर नहीं कर सकते। अब यहाँ पर एक चीज मॉडल बोलने का मतलब क्या है कि इसके अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी क्या होगी, -1 होगी, पर लेकिन यहाँ स्टार मार्क लगा देता हूँ। स्टार मार्क का मतलब ये क्या यार, हर क्वेश्चन के अंदर ये नेगेटिव मार्किंग फिक्स नहीं है, ठीक है। बोलने का मतलब क्या, जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कोई सिंगल डिजिट है, जैसे फॉर एग्जांपल 0, 1, 2, 3, ये सिंगल डिजिट आंसर है। अगर वो सिंगल डिजिट आंसर है और जो आपके आंसर निकल है अगर वो सही है तो आपको पूरा मार्क्स मिलेंगे +4। पर लेकिन सिंगल डिजिट आंसर के अलावा जैसे आंसर 1 और हमारा आया था 4, 5 वो हमने लगाया तो वो तो डेफिनेटली गलत ही होगा, उसके अंदर सही होने के चांसेस नहीं है। पर लेकिन अगर कोई क्वेश्चन का आंसर पॉइंट के अंदर डेसिमल पॉइंट वाला आंसर है, जैसे फॉर एग्जांपल आंसर किसी का है 5.78, ये किसी का आंसर है 5.782 मान लो, ठीक है, मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक आंसर 5.782 कुछ भी मान लो। अगर हमारा आंसर 5.7 भी आ रहा है, 5.71 भी आ रहा है, 5.72, 5.73, 5.74 इतना भी आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली, तो हमारा मार्क्स फुल मिल जाएंगे हमको, तो -1 नहीं होगा। यानी कि भैया डेसिमल जो हमारे पॉइंट वाले जो आंसर होंगे ना उसके अंदर अगर हम स्टार्टिंग वाली डिजिट भी सेम कर लेते हैं, पॉइंट के स्टार्टिंग वाले डिजिट को भी सेम मिला लेते हैं और पॉइंट के जस्ट एक बाद डिजिट को भी सेम मिला लेते हैं तो बहुत है। पूरा आंसर सही होना जरूरी नहीं होता किसी पॉइंट वाले क्वेश्चन के अंदर से डेसिमल वाले आंसर में, ठीक है। तो यहाँ हमको दिक्कत वाली बात नहीं, पर लेकिन जिसका आंसर सिंगल डिजिट होगा, जिसका आंसर ओनली 5 होगा, तो हमको 5 एंटर करना पड़ेगा तब मार्क्स मिलेंगे। हमको 9, 8, 10 एंटर कर दिया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे भैया, ठीक है, ये यहाँ पर बोलने का मतलब। तो भी यार यहाँ पर बहुत बड़ा एक लेवल बढ़ा दिया इस चीज़ कारण, तो इस बार गारंटेड ये देखा जा सकता है कि जेईई मेन पेपर 1 हो चाहे जेईई मेन पेपर 2 हो, ये सभी के लिए होता है क्योंकि मैथमेटिक्स का सेम पोर्शन तो सब में है, तो ये चीज़ सब में अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो ये हमको भैया ध्यान रखना है, ठीक है, इस चीज़ का डेफिनेटली अच्छे से ध्यान रखना है। तो ट्राई करेंगे यार एमसीक्यू के अंदर जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें अच्छे से यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से एक आंसर सही है, ठीक है, हमारा आंखों के सामने आंसर है यहाँ पर लेकिन यहाँ पर हमारे आंखों के सामने आंसर नहीं है, हमारी आंखों से बहुत दूर है ये आंसर, ठीक है। तो ये हमको चेक जान रखना भैया, ठीक है। तो ये पूरे कहानी रहने वाली यहाँ की और यहाँ की, ऑलरेडी मैं लास्ट वाले वीडियो के अंदर आपको बता चुका था कि मैथमेटिक्स के अंदर ट्राई करना है, अप्रोच लेकर चलना है, सोच लेकर चलने भैया कि 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही है किसी भी हालत में, कितने 15 क्वेश्चंस किसी भी हालत में अटेम्प्ट करने हैं ये सोच कर चलना है हमको, और उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है अपनी इस फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। मैथमेटिक्स पार्ट में बोल रहा हूँ ओनली 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही है। अब भली आप चाहे 10 यहाँ से करो, 5 यहाँ करो, चाहे 15 के 15 यहाँ से कर लो, अब आप चाहे 13 यहाँ से करो, 2 यहाँ से करो, भले 12 यहाँ से करो, चाहे 3 यहाँ से करो, वो हमारे ऊपर देखो, वो तो एग्जाम के अंदर डिपेंड कराए किस कौन सा क्वेश्चन हमको कहाँ से आ रहा है, ठीक है, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर लेकिन 15 अटैम्प्ट करेंगे, पूरी ट्राई करेंगे, ठीक है। देखो 3, 4, 5 क्वेश्चन तो यार कोई भी अटैम्प्ट कर लेगा, 3, 4, 5 क्वेश्चन आप जो वीडियो देख रहे हो ना सबके सब अटैम्प्ट कर सकते हो 3, 4, 5 क्वेश्चन, क्योंकि 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन तो यार जो बोर्ड एग्जाम जो देते ना बोर्ड लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं, वो कोई भी अटैम्प्ट कर सकता है, उसमें ज़्यादा इतना कुछ नहीं होता। बाकी मेन है कहाँ की मगजमारी, 10 क्वेश्चन की, जो एक्स्ट्रा 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेता है सही वो बाजी मारता है, वो ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आता सीधा। बाकी ये जितने भी पोर्शंस थे इसके अंदर तो नॉर्मली यार हर एक स्टूडेंट्स जनरली 170-180 पहुंच जाता है आउट ऑफ 200 इसमें एप्टीट्यूड के अंदर, और ड्राइंग के अंदर आउट ऑफ 100 के अंदर से जनरली स्टूडेंट्स यार 60-70 पहुंच जाते हैं, 70+ पहुंच जाते हैं। तो भैया मैटर क्या करता है, ये चीज़ें ये सब मिलाकर एक हमारे पास रिजल्ट बनता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या चीज़ भैया, ये लिखा हुआ है बोनस मार्क्स। अब ये बोनस मार्क्स क्या है और बोनस मार्क्स कब हमको मिलता है, तो देखो यार बोनस मार्क्स के चांसेस बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, पर लेकिन बोनस मार्क्स के 2 केस हो सकते हैं। कौन कौन से केस, देखो पहला केस तो वो होता है जहाँ पर हो सकता है किसी क्वेश्चन के अंदर कोई MCQ है, लेट से मान लेते हैं कोई MCQ है किसी भी क्वेश्चन का, उस MCQ में 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो सही होता ही है जनरली, ठीक है, सब में होता है। पर लेकिन अगर किसी ऑप्शन में 4 ऑप्शन के अंदर से मिलाकर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाते हैं किसी क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन के 2 आंसर सही होते हैं और 2 करेक्ट ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन में रख दिए जाते हैं, 2 ऑप्शन सही होते हैं, तो 2 ऑप्शन सही होने के केस के अंदर वो आपको क्या बोनस मार्क्स में मिलेगा। पर लेकिन वो मिलेगा तब जब हमने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हो, और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के साथ साथ जो 2 करेक्ट ऑप्शन है उन 2 करेक्ट ऑप्शन में से हमने कोई 1 करेक्ट ऑप्शन को चूज किया हो, उस केस के अंदर हमको क्या बोनस मार्क्स मिलेगा। तो ये बोनस मार्क्स का रूल होता है, अगर आप किसी क्वेश्चन के अंदर से 4 में से 2 करेक्ट ऑप्शन है और हमने उन 2 करेक्ट ऑप्शन के अंदर से किसी 1 करेक्ट ऑप्शन को चूज किया है तब हमको जाकर बोनस मार्क्स मिलेगा उसके अंदर, बाकी नहीं मिलेगा, ठीक है। एक और केस क्या होता है,
कि भैया किसी चार ऑप्शन के अंदर से कोई करेक्ट ऑप्शन सही नहीं, चार ऑप्शन गलत है, ये भी होता है कि भाई चार ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। तो चार ऑप्शन गलत होने की चांसेस के अंदर भी हमको क्या करना होगा, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। एटलीस्ट उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने पर ही यार क्या मिलता है, बोनस मार्क्स मिलता है, ये रूल होता है। ठीक है, ये सब जगह का रूल होता है, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर भी होता है या फिर जनरली बात करते इसमें भी होता है। ठीक है, तो हमको अटेम्प्ट करना होगा चीज़ों को, ये हमको पता करना होगा कि यार हाँ क्या एग्जैक्टली कॉन्फिडेंस के साथ कि क्या वो सही है, क्या वो क्वेश्चन पूरा गलत है, क्या उन चार ऑप्शन के अंदर सही क्वेश्चन है या नहीं है। वैसे चांस बहुत ज़्यादा रेयर है, हमको इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अगर तुम्हारे पूरे दिमाग में पिक्चर क्लियर हो गई होगी, बस प्रिपरेशन अपनी अच्छे से करते रहो, जिस चीज़ को जिस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते ना उसका पूरा आंसर निकाल कर छोड़ो। मैथमेटिक्स के अंदर भी घर पे जो प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसा नहीं कि मोटा मोटा देख लिया ठीक है हो गया, नहीं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, आंसर निकालो एंडिंग तक, पूरा सॉल्व करो उसको। लास्ट क्वेश्चन पेपर ट्राई करो किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, लास्ट कौन से न्यूमेरिकल आंसर टाइप किस किस टाइप के पूछे गए थे, लास्ट जो पेपर हमको वो सॉल्व करना है वो हमारे ऑलरेडी टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको पेपर का लिंक भी मैंने दे रखा है, नाटा और जेई दोनों का दे रखा है। ठीक है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो ऐसे के साथ खत्म करते वीडियो को, मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर। कोई भी डाउट अपने नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करते रहना, और इंस्टाग्राम के ऊपर जरूर आपको फॉलो करना है, सच्ची अपडेट आपसे मिल जाएगा। ठीक है, रिप्लाई होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, उसके लिए माफी चाहता हूँ, सॉरी यार, पर लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम मैनेज करना हो जाता है थोड़ा। तो बस यार मिलते हैं, ध्यान रखो अपना। बस चाहते जाते फिर से आपको एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि यार जो भी हो भूल जाओ, दुनिया इधर उधर चार दीवार है, कमरा है, खुद को पैक कर लो और दबा लगा कर मेहनत करते रहो, दबा कर मेहनत करते रहो। क्योंकि यार रिजल्ट आएगा जब ये मेहनत पूरी हमारी वर्थ इट होगी, ठीक है, तब मजा आ जाएगा। ठीक है, बस रिजल्ट ज़्यादा नहीं सोचना है, मेहनत करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, बस प्रैक्टिस करते रहो, करते रहो करते रहो बस, और एग्जाम देकर आ जाओ, मजा आ जाएगा। ठीक है, जो कॉलेज हम चाहते हैं वो कॉलेज हमको मिलेगा, क्योंकि सब कुछ पॉसिबल हो सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है ना, तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो। यू विल बी द नेक्स्ट टॉपर, अगली टॉपर की लिस्ट के अंदर तुम्हारा नाम भी ऐड हो सकता है, इतनी कैपेबिलिटी हर एक स्टूडेंट से लेकर चलता है और वो कैपेबिलिटी तुम्हारे अंदर भी है। बस आग लगा देनी इस बार, फाड़ के रख देना।